दशहरा मेला स्वागत समिति का बुधवार से वैश्य बोर्डिंग हाउस मैदान में 2 दिवसीय 40वां दशहरा महोत्सव शुरू हो गया। महोत्सव में देर रात राम रावण युद्ध के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने रावण के पुतले का दहन भी किया। दशहरा मेला स्वागत समिति का बुधवार से वैश्य बोर्डिंग हाउस मैदान में 2 दिवसीय 40वां दशहरा महोत्सव शुरू हो गया। महोत्सव में देर रात राम रावण युद्ध के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने रावण पुतले का दहन किया, महोत्सव शुरू हो गया। इस 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने किया। इस दौरान उन्होंने मेला आयोजकों को दशहरा की शुभकामनाएं दी। सबसे पहले आपके माध्यम से दशहरे की शुभकामनाएं पूरे आगरा के वासियों को देना चाहता हूं, और जो प्रभु श्री राम ने अपने चरित्र को जिया है उसका अनुसरण करने के लिए मैं प्रभु श्री राम से भी कामना करता हूं कि हम सबको शक्ति दे और उतने उदात्त व्यक्तित्व को हम लोग अपने जीवन में उतार सकें। आज यहां पर पिछले कई वर्षों से इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। ऐसे उत्सव हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को, विरासत को आने वाली नस्लों को सौंपते हैं, इसलिए आयोजन समिति बधाई की पात्र है। कोरोना के लंबे कालखंड के बाद ये आयोजन जो पुनः हो रहा है, इससे हमारे संस्कारों की जीवंतता के साथ साथ पुरानी पीढ़ी का अनुभव नई पीढ़ी को प्राप्त होता है, और जो संकल्प इस धार्मिक आयोजन के माध्यम से लेने का अवसर मिलता है, दशहरा सत्य की असत्य पर जीत है, न्याय की अन्याय पर जीत है। ये मेला 40 वर्ष से हो रहा है और इस महोत्सव का एकमात्र उद्देश्य हमें अपनी पुरानी संस्कृति, परंपरा और जो हमारे संस्कार हैं उनको आगे की जनरेशन, जो आजकल के बच्चे हैं, उनको बताना और दिखाना है। इसमें अभी मंच पर वृद्धजन समारोह हुआ है। आजकल जो वृद्धों को आश्रम में भेज देते हैं, हमने यहाँ से ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वृद्धों का सम्मान करें, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है। दशहरा मेला स्वागत समिति के संरक्षक ओम शर्मा ने बताया कि दशहरा पर्व पर पिछले 4 दशकों से दशहरा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है और काफ़ी सालों से ये दशहरा का पर्व मनाते हैं। या मैं कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जे ऐसे आयोजन को करती हैं जिसमें कि अच्छाई की बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि रावण आज मरता है, हम लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए। हम रामलीला देखते हैं, हम रामलीला निकालते भी हैं, देखते भी हैं, दशहरा को रावण को मारते भी हैं। हम सब लोगों को अपने अंदर का रावण मारना चाहिए। सर्वप्रथम दशहरा महोत्सव की सभी दर्शनार्थियों को, लाभार्थियों को मैं अपनी ओर से, दशहरा मेला स्वागत समिति की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं एक बात कहूँगा। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने के आगे इंद्रदेव भी हार गए। पूरे आगरा में बारिश, मौसम विभाग ने कहा आज बारिश, सब कुछ होने के बाद भी इस क्षेत्र बोधला में आधे घंटे बहुत जोरदार मूसलाधार बारिश, परंतु इस क्षेत्र में भगवान इंद्र भी आज। महोत्सव शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर बच्चों ने मंत्र मुग्ध कर देने वाली नृत्य प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों ने खासा पसंद किया। महोत्सव में देर रात राम रावण युद्ध के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने रावण पुतले का दहन किया। महोत्सव में पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।